गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर। लर्निंग लाइफ और लिविंग में आपका स्वागत है और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊंगी लंच में तो ये हम करते हैं, गैस ऑन कर दिया और ये हमने भिंडी को कट कर लिया। इसके बाद इसमें तो पानी के ड्रॉप है, इसे हटने तो पानी के ड्रॉप में कभी भी ऑयल नहीं डालना चाहिए जिससे वो छटके आता है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, वेरी लिटिल ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और इसको गर्म होने देंगे। अच्छा, एग्जॉस्ट तो ऑन ही नहीं किया। ओह हो ऑन हो गया। और जीरा, दिस इज जीरा, जीरा गया इसमें, थोड़ा सा जब भून जाएगा सब्जियों में ऑयल बहुत ही इतना कम डालें कि प्याज या आपका जो टमाटो है वो भुन जाए। बहुत ज़्यादा ऑयली सब्जी नहीं खानी चाहिए। आजकल वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी कभी खानी चाहिए, वो मैं भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले तला भुना ये सब बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी ना हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो गई हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, देन कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च एंड धनिया पाउडर। ये भाई अभ्रांश की बहुत फेवरेट सब्जी है तो उसके हिसाब से कम नमक मिर्च वाली बनाई जाती है। और मैं बहुत ही बेसिक सब्जी बनाती हूँ, कभी कभी बनाऊँगी जब अच्छा तो उसे भी शेयर करूँगी। और सुबह सुबह एक्चुअली ना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, बनाओ भिंडी, अब जाएगा सॉल्ट, अब जाएगा सॉल्ट। तो फ्रेंड्स, मेरी भिंडी अब बनेगी थोड़ी देर में, इसको डाल देते हैं, इसको ढक देंगे और आपसे मिलेंगे। ये हमारी सब्जी रेडी है, गई सब्जी। और यहाँ पर YouTube में दिखाते हैं ना, शादी के बाद लड़की खुद पलट लेती है तो मैं भी पलट लेती हूँ। और यहाँ पर हम लगाएंगे घी, घी लगाएंगे। और आज हमारा लंच में रहेगा पराठा सब्जी, पराठा और गोभी की सब्जी, दैट विल बी यम्मी। यम यम यम, आई जस्ट लव दिस कॉम्बिनेशन, सब्जी एंड पराठा। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ, ये तांबे के गिलास में रोज पानी भर के रख देती हूँ और फिर मैं इसको सुबह पीती हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगेन, और भिंडी की सब्जी बन गई। अब मैं ना अभ्यांश को जगाती हूँ, आप लोग देखो। अभ्यांश बेटी, बाबू उठ जाओ, बेटू प्लीज उठो उठो उठो, बेटू स्कूल जाना है ना, चलो चलो उठो।
आज का मेरा स्कूल लुक। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये शुगर की है ना, ये रेड होती है ना, ये मेहरून होती है ना, ये ब्राउन होती है, ये कुछ अलग ही कलर होता है। आई लव दिस। ये हम पहुंच गए थे स्कूल, लिफ्ट लेते हुए स्कूल पहुंच गए यहाँ पे हम। और ये मैं ले रही हूँ अपना लंच, लेकिन आज एज यूजुअल माय फेवरेट अदिति मैम मेरे लिए बना के लाए करेला। ये महाराष्ट्र स्टाइल करेला है, हमारे यहाँ तो भून के बनता है, कट के बनता है। ये मेरी बॉटल, और मैं अब अपना लंच इंजॉय करूँ। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने आज आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ कुछ बनाया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे ये बताने के लिए। इसके बाद गए हम पेस्ट्री की शॉप पर, जिसमें अभ्यांश ने आज बोला कि मुझे आज चाहिए केक पेस्ट्री खाने के लिए। और कितने यम्मी यम्मी यहाँ पर पेस्ट्री और केक्स हैं। और अभ्यांश ने फिर फाइनली पसंद की हार्ट शेप वाली, जो आपको दिख रही है ना, ये वाली पेस्ट्री, और हमने इसको ले लिया। और मुझे ये येलो कलर का ये जो रसमलाई वाला केक है ना, ये बहुत ही यम्मी लगता है। मतलब मेरे बर्थडे पे आया था रेड वाला हार्ट वाला, ये मेरे बर्थडे पे आया था। यस, मुझे स्कूल के मैम वगैरह ने ये हार्ट शेप का मेरे बर्थडे पे केक लाए थे। और ये अभ्यांश भाई साहब अपनी पेस्ट्री ले चुके हैं और इसको जाके अब करेंगे एंजॉय। और अभ्यांश ने घर पे आके पेस्ट्री इंजॉय की और मुझे बस थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए दी। ये पनीर, ओह इसमें चॉकलेट आई है अभ्यांश के लिए। स्टिकर्स, पनीर हो गया, स्टिकर हो गया। अभय जी ने सामान ऑर्डर किया था, वो मुझसे पूछ लेते हैं। और ये चाय की पत्ती, अदरक एंड भिंडी, ये सब्जी अभ्यांश को बहुत फेवरेट है, भिंडी। आप भी कमेंट्स में बताइए किस किस बच्चे को भिंडी एंड कुकुम्बर। यस, और ये, अरे ये कौन सी सब्जी है, ये तो मैं जानती भी नहीं बनाना। ये मुझे बनानी नहीं आती, फ्रेंड्स आप बताओ इसे कौन सी सब्जी बोलते हैं। ये मैंने खाई तो है, टिफिन टीचर्स टिफिन लाते हैं, उसे दाल में डालते हैं ना कट करके। लेट्स सी अब इसे बनाएंगे। और ये सारा सामान आया है, इसे मुझे फ्रिज में लगाना। मैं शाम को गई थी, रात को मतलब, सब्जी लेने, और काफ़ी बारिश हो रही थी। ये देखिए पूरा गीला गीला हो रहा है, और मौसम लेकिन बहुत अच्छा हो रहा था। और मैं अम्ब्रेला भी नहीं लाई थी अनफॉर्चुनेटली, मगर बारिश की थोड़ी ऐसी आई नहीं। 10 का दे दो भैया, 10 का, 10 का धनिया, हम गड्डी नहीं खरीद पाएंगे, बड़ी महंगी है। नहीं ये सूख जाता है एक्चुअली, कोई बात नहीं, थोड़े ही पत्ते यूज होते हैं। बस लीजिए। कितना हो गया ये मिर्च? बैग है क्या भैया? मैं बैग भी नहीं लाई। हाँ मिर्च कैसे दी है भैया? ये वाली तीखी है और ये वाली 10 रुपए की, कितने आएंगी भैया? 10 रुपए की मिक्स कर दो, थोड़ी तीखी थोड़ी ये वाली। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जी, बाकी का नवीन वस्तु आएगा। धनिया की गड्डी कितने की है? 40 की गड्डी। इतना महंगा कब से हो गया? महंगी हो गई मैडम, बड़ा महंगा। अच्छा, और ये वाली बीन्स किलो बहुत महंगी है भैया सब्जी तो। बारिश की वजह से महंगा हो गया। और शिमला मिर्च, भी का एक। अच्छा वैसे ये दे दो। हाँ ये मुझे 15 की पाव का मतलब लौकी हो गई। इसके साथ गुड नाइट दोस्तों, और हमारा फेवरेट मैडम सर चल रहा है, डिनर हो रहा है। बाय बाय।